तो हे गाइस, कैसे हो? वैसे भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेलेनिन को हम कैसे कम कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, जिनकी स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही उनका स्किन डार्क होता है, और जिनकी स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन कम होगा उतना ही उनका स्किन लाइट रहता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी स्किन के मेलेनिन प्रोडक्शन को कम कर सकते हो, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक दो होम रेमेडीज भी बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी स्किन के मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम कर सकते हो, जिससे आप अपनी स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ गाइस। अगर आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपका कुछ भी हेल्प चाहिए, आप हमें वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका 100% हेल्प मिलेगा। और जो मैं हेल्प करता हूँ वो क्लियर आउट होने के बाद आपको कुछ देना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा या फिर कुछ अलग, तो गाइस ना तो आपको पैसा देने की जरूरत है, ना ही आपको थैंक्स वैंक्स की। बस आपको एक दिन का खाना उन लोगों को देना जिनको वन टाइम का खाना नहीं मिल पाता हेल्प क्लियर आउट होने के बाद। तो गाइस, आप छोटा सा काम जरूर करोगे, मुझे पता है। तो गाइस, आ जाओ इंस्टाग्राम पर, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है smileyteam07। तो गाइस, अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो आज हम बात करने वाले कि भी मेलेनिन को आप कैसे कम कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे स्किन में अगर मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही हमारा स्किन डार्क होता है, और जितना हमारे स्किन में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है उतना ही हमारा स्किन लाइट होता है। और गाइस, मेलेनिन हमारी स्किन को सन से भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा स्किन जो सन से डैमेज होता है ना, उसको रिपेयर करने में, उसको सन की यूवीए एंड यूवीबी रेस होती है ना, उससे प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्प करता है। तो गाइस, एक्चुअली मेलेनिन प्रोडक्शन जब बढ़ता है जब आप सन के कॉन्टेक्ट में जाते हो। तो अगर आप अपनी स्किन के मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करना चाहते हो ना, तो आपको रेगुलर बेस पर सनस्क्रीन यूज करना बहुत कंपलसरी है। अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हो तो आपकी स्किन का जो मेलेनिन प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा नहीं, जिससे कि आपका स्किन डार्क भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं ना धूप में, उनको टैन हो जाता है, तो टैन इसी के कारण होता है, क्योंकि उनका स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे उनका स्किन डार्क हो जाता है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ज्यादा पानी ऐड करना, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही 2 ग्लास पानी और 2 फ्रूट्स आपको ऐड करने हैं। आप कोई जैसे ऑरेंज ऐड कर सकते हो, आप एप्पल ऐड कर सकते हो, कुछ भी आपको ऐड करना है, फ्रूट ऐड करना है, एटलीस्ट 2 फ्रूट आपको ऐड करने हैं। उसके बाद जितना हो सके आप पानी ज्यादा पियो, उसके साथ थोड़े बहुत फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है, विटामिन सी बेस्ड, क्योंकि विटामिन सी हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करता है, हमारे स्किन के मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करने में भी काफी हेल्प करता है। तो आपको ख्याल रखना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ज्यादा पानी पीना है, जिससे कि हमारे स्किन का मेलेनिन प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बहुत सारे ब्यूटी क्रीम्स, कॉस्मेटिक क्रीम्स, मेडिकेटेड क्रीम्स आते हैं जो कि हमारे स्किन के मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करते हैं, लेकिन वो कभी और वीडियो में बात करेंगे कौन सी वो क्रीम है। लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ होम रेमेडी बताने वाला था, होम रेमेडी बता दूं। देखो गाइस, आपको 1 चम्मच चंदन, 1 चम्मच आपको रोज वाटर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और पूरे फेस पर आपको अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट तक आपको छोड़ देना है। आपको इसको डेली बेस पर यूज नहीं करना, मतलब कि रोज रोज यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सप्ते में 2 बार यूज करना है, बहुत है। अगर आप सप्ते में 2 बार यूज करते हो ना, तो आपकी स्किन में ऑटोमेटिकली मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका स्किन लाइट दिखेगा, आपका स्किन एक ब्राइट दिखेगा। और दूसरी जो होम रेमेडी है उसमें आपको चाहिए 4 से 5 पीस बादाम के और 1 चम्मच आपको दूध, अच्छे से पीस लीजिए, मिक्स कर लीजिए, उसके बाद अपने फेस पर, पूरे फेस पर आपको अप्लाई करना है उस पेस्ट को, और आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और ये भी आपको रेगुलर बेस पर यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप होम रेमेडी यूज में ले सकते हो दोनों में से, रेगुलर बेस पर आपको यूज नहीं करना है। और आपको ज्यादा फेस वॉश, ज्यादा सोप यूज नहीं करना है, जिससे आपका स्किन और ज्यादा डार्क हो सकता है, या फिर ऐसी कोई क्रीम यूज नहीं करनी है जिसके कारण आपकी स्किन और डैमेज हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रीम होती है जो मेलेनिन को कम करती है, लेकिन वो सभी डॉक्टर के डिस्कशन के बाद ही यूज करें तो अच्छा है। थैंक यू।